गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई शंकर हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टूरिस्ट कार चलाना है, 20 किलोमीटर लंबा रूट है। वो एक कार परचेज की 1,50,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। एनुअल देखिए, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, याद रहे एनुअल है, साल भर का इंश्योरेंस और टैक्सेस 4,500 और 900 है। 500 रुपया पर मंथ गैरेज का रेंट है। रिपेयर देखिए एनुअल है 4,000। कार का लाइफ दिया है 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 50,000। तो कार का कॉस्ट था 1,50 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। यहां देखिएगा आप, एनुअल इंश्योरेंस और टैक्सेस एनुअल है, जबकि गैरेज रेंट मंथली है, रिपेयर भी एनुअल दिया हुआ है। ड्राइवर 300 रुपया पर मंथ है, मंथली है, प्लस बोनस ई कमीशन देंगे 10% ऑन टेकिंग मनी सेल का। अदर एक्सपेंस 200 रुपया पर मंथ है। पेट्रोल 100 रुपया लगेगा 100 किलोमीटर के लिए, 4 राउंड ट्रिप ईच डे, मतलब 4 बार जाना है और 4 बार आना है। एज्यूमिंग प्रॉफिट लेना है 15% ऑन टेकिंग सेल के ऊपर, 15% प्रॉफिट भी लेना है। ऑन रोड 25 दिन रहेगा। तो उनका एक टैक्सी है, 20 किलोमीटर जाना है, 4 बार जाना और आना 8 हो जाएगा, अब 25 दिन इससे किलोमीटर हो जाएगा। और चूंकि ये टैक्सी है तो टूरिस्ट वाला टैक्सी है, तो जितना किलोमीटर वही उसका पैसेंजर किलोमीटर होगा। ऐसा टैक्सी विदाउट पैसेंजर रन नहीं होता है। ओके, तो हमको यहाँ पर 1 टैक्सी 20 किलोमीटर, 4 बार जाना आना, 25 दिन किलोमीटर निकाल देंगे, वही मेरा पैसेंजर किलोमीटर हो जाएगा। तो ये पर मंथ होगा, तो कोई भी एक्सपेंस जो एनुअल था उसको पर मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है एक ट्रिप का भाड़ा बताइए, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा निकाल लेंगे, उसको 1 ट्रिप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहले आपको वर्किंग कर देते हैं, टोटल किलोमीटर्स इन ए मंथ, 1 टैक्सी 20 किलोमीटर, 4 बार गया आया अप डाउन 25 दिन, 1 × 20 × 8 × 25, ये हो गया 4,000 किलोमीटर। इसी को पैसेंजर किलोमीटर बोलेंगे। चूंकि टैक्सी है इसलिए 4,000 ही रहेगा। अब हमको फॉर्मेट में देखना है, ध्यान देना है। एक नंबर हेडिंग करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। टैक्सी का बहुत सारा एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंस में ले लेंगे, कुछ को रनिंग एक्सपेंस में लेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस में ले आते हैं इंश्योरेंस और टैक्स। ये इंश्योरेंस और टैक्स दोनों पर एनम था, इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर देना। 4,500 पर एनम था और 900 पर एनम था, इसको पर मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 375, ये हो जाएगा 75। इसके अलावा गैरेज रेंट 500 रुपया महीना था, उसको ऐसे ही रख देंगे, गैरेज रेंट 500 रुपया महीना। डेप्रिसिएशन बाद में लिया जाएगा, तो इंश्योरेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, गैरेज रेंट, रिपेयर बाद में ले लेंगे, डेप्रिसिएशन बाद में, रनिंग में ले लेंगे। ड्राइवर्स वेजेस 300 रुपया, अदर एक्सपेंस 200 रुपया।
ड्राइवर्स वेजेज 300, अदर एक्सपेंसेस 200। ये हो गया हम लोगों का फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1450। अब बी नंबर लाते हैं, रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस में ले आते हैं डेप्रिसिएशन। कॉस्ट था 150,000, स्क्रैप वैल्यू 50,000। कॉस्ट ऑफ द टैक्सी या कार 150, स्क्रैप 50,000, लाइफ 10 ईयर्स, हमको 1 मंथ का चाहिए। लाइफ 10 ईयर, हमको 1 मंथ का चाहिए। 1 मंथ का 833। 150,000 कॉस्ट, 50,000 स्क्रैप या सैलवेज वैल्यू माइनस किए 1 लाख आया, 10 से डिवाइड किए 10,000, 1/12 833। रिपेयर एनुअल दिया था 4,000। रिपेयर एनुअल दिया था 4,000, उसको 1/12 कर देंगे, दैट इज 1 महीना पे ले आएंगे, तो 333। रिपेयर हो गया आपका, डेप्रिसिएशन हो गया। पेट्रोल 100 रुपया 100 किलोमीटर का है, हमको 4,000 किलोमीटर जाना है, 100 × 100 4,000। तो ये हो गया एक्सपेंसेस। अब इसको ऐड कर देते हैं आपका 833333 प्लस 4,000, ये हो गया 5166। ऊपर था 1450, 6616, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहां पर अभी दो चीज है, कमीशन देना था 10% ऑन टेकिंग्स, अब प्रॉफिट था 15%। एड कमीशन और एड था प्रॉफिट, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल टेकिंग्स। ये 100 रुपया अगर होता है तो 10, 15, 25, तो ये हो गया 75, 6616, 10/75, 6616, 15/75। ये हो गया 882, 1323, 22205। ऐड कर देते हैं 8821। तो ये जो 6616 था, ये 75% के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ये अगर टेकिंग 100 रुपया तो कमीशन 10, तो ये प्रॉफिट 15, 25, तो ये 75, तो इसका 10/75 कमीशन, 15/75 प्रॉफिट। ऐड कर दिए, टोटल टेकिंग आ गया। यहाँ किलोमीटर आया था 4, यहाँ लिख देते हैं फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, यह आया 8821 डिवाइडेड बाय 4,000। 8821 डिवाइडेड बाय 4,000, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपया 20 पांच, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। तो फेयर ऑफ वन ट्रिप बोला है, तो 2 रुपया ये भाड़ा होगा 1 किलोमीटर का, 20 × 2, क्योंकि जाना और आना है, दैट इज 88 रुपया 20 पैसा। एक बार आप क्वेश्चन देखोगे तब क्लियर होगा। यहां देखिए 10% कमीशन था टेकिंग का, 15% प्रॉफिट था टेकिंग का, ओके।
तो इसीलिए 15, 10, 25 कर दिए। एक्सपेंस में देखिए कॉस्ट दिया था 1.5 लाख, स्क्रैप था 50,000, लाइफ था 10 ईयर, एनुअल था आपका इंश्योरेंस एंड टैक्स 500 रुपया, गैरेज का मंथली था, यहाँ देखिए रिपेयर एनुअल था, ड्राइवर का यहाँ 300 मंथली था, अदर एक्सपेंस 200 था, ये रहा पेट्रोल। 4 ट्रिप हुआ था, 25 दिन काम होगा, 20 किलोमीटर का रूट है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व किए आपको, सबसे पहले किलोमीटर का काम किए, किलोमीटर में आप देखो सबसे पहले टोटल किलोमीटर, एक टैक्सी है, 20 किलोमीटर रूट है, 4 बार गया आया, 25 दिन, 4,000 यही पैसेंजर होगा। एक्सपेंस में कोई भी खर्चा पर मंथ लिए, जो पर एनम था उसको 12 से डिवाइड कर दिए पर मंथ करके, ये हो गया फिक्स्ड एक्सपेंस, और डिप्रिसिएशन रिपेयर पेट्रोल ये हो गया आपका रनिंग एक्सपेंस। ये आ गया हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट, 10/75 कमीशन, 15/75 प्रॉफिट, जोड़ दिए टेकिंग्स, टेकिंग्स को 4,000 पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दिए, 1 पैसेंजर किलोमीटर का ये फेयर आ गया, 1 ट्रिप का फेयर 88-20, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।